हमारा व्लॉग चल रहा है भाई टीवी पे, कर ले इसकी तो हालत खराब हो गई है। संडे पर हम जाने वाले हैं भिवाड़ी राजस्थान में। ये बंदा कह रहा है कि आइंदा में तेरे साथ बाइक पे नहीं आऊंगा, इतना लंबा होगी। सूरज की किरण। तो हे गाइस, वेलकम बैक करते हैं अपने इस ब्रांड न्यू व्लॉग में। सो गाइस, आज है संडे और हम जाने वाले हैं भिवाड़ी राजस्थान, मतलब यहाँ से पास में ये ज्यादा दूर है नहीं। सो अभी बज रहे 8:30 एंड मैं जल्दी से उठ के तैयार हो गया, क्योंकि राइड के लिए तो मैं पहले प्रिपेयर हो जाता हूँ। तो फटाफट अभी चलते हैं और हम जा रहे हैं राहुल के साथ और अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, सुमित की गाड़ी पे नहीं जा रहे आज, हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे। तो फटाफट निकलते हैं और वहाँ से हम लेकर आने वाले हैं गोलू को, तो गोलू हमारे साथ ही आएगा। तो फटाफट निकलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलते हैं अभी। गाइस, अभी हम जाने वाले हैं भिवाड़ी के लिए एंड राहुल आ गया। ओ भाई, ये बंदा पजामे में आया था, गधा कहीं का। ये भी नहीं देख रहा किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं पजामे में जाना चाहिए या नहीं, बंदा पूरा पजामे में आया है। तो मैं पूरी तरीके से तैयार हुआ, मेरे को मास्क मिल रहा था और मेरे को दूसरा मास्क लगाना नहीं था, इसलिए मैंने रुमाल बांधा हुआ है। तो जस्ट अभी निकलते हैं और ये देख रहे हो कैसे मुझे ले रहा है, कोई हेलमेट बना रहा है बंदा। तो भाई, हो तेरे को पहनने के लिए दिया हुआ है मैंने, को पहना रहा है। तो अभी निकलते हैं फटाफट, बाइक पूरी तरीके से रेडी है, निकलते हैं और मिलता हूँ थोड़ी देर में। अब चल जाने दे जो भी ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए में दवा और सारी। तो गाइस, अभी हम रुके हैं मानेसर के पास में और मतलब हम यहाँ पे है ना पहुँचने वाले, थोड़ी दूर रह गया हमारी बुआ का घर और चाचा का घर। तो भाई, इसकी तो हालत खराब हो गई है। ये बंदा कह रहा है कि आइंदा में तेरे साथ बाइक पे नहीं आऊंगा, इतना लंबा होगी। हाँ, कम से कम 80 किलोमीटर तो हो ही जाता है आजकल। तो अभी बस निकलते हैं। क्यों निकले आप? मैं अकेले आता बाइक तो मैं भी खड़ी करके चला जाता बस से। तो जस्ट अभी निकलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। जस्ट अभी हम पहुंचे थे मेरे चाचा घर पे। ये रहा गोलू, ये रहा हर्षित, जो कि राहुल से चिपका हुआ है एंड हमारा व्लॉग चल रहा है भाई टीवी पे। तो अभी हम खाते हैं, खाना वाना खाते हैं एंड गोलू को लेके जाएंगे साथ में, हर्षित को भी लेके जाएंगे। हैं हर्षित, है ना? अभी जस्ट खाना वाना खाते हैं और मस्त व्लॉग देखते हैं अपना। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज अभी हम जा रहे हैं भैया के यहाँ पे, तो मिलते हैं शाम को। तो कितने बजे तक पहुँच जाएंगे भैया? हम पहुँच जाएंगे 6 बजे तक। तो 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। बोल तो अभी हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी क्या करना है, अभी चलते हैं घर पे। और मम्मी को बाय बोल, है ना? पापा को बाय बोल, पैर छू, कौन करेगा ये? तो गाइस, अभी जस्ट हम निकलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं बुआ के यहां पे। तो गाइस, अभी हम रुके हैं आधे रास्ते में एंड भाई सबकी हालत खराब हो गई। देखो शक्ल, देखो इसकी हालत खराब हो गई है। इसको देखो भाई, टूटे हेलमेट में। ये बंदा मेरे से कह रहा है कि भाई मेरे बस की नहीं है, रोक दे, मेरे पिछवाड़े दर्द कर रहे हैं। क्यों भाई, मजा आया? मुँह छुपाए छुपाए घूम रहे हो। तो अभी जैसे हम निकलते हैं भाई, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, मैं भी निकलता हूँ जल्दी से। हेलो गाइस, अभी हम पानी पी रहे हैं, पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा रुका है। तो अभी हम आधे रास्ते पर पहुँचे, तो अभी हम दिल्ली के अंदर तो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है? अभी हम आए भाई, कम से कम 100 किलोमीटर गाड़ी चला कर रहे हैं। फेस से पता लग रहा होगा मेरे, लाल पीला नीला सब हो गया। तो इसका फेस देखो, ये मेरे पे कुछ भी हुआ। हाँ। तो मम्मी, तुम्हें पता है झप्पी मार रहा था गाड़ी पे? हाँ, अरे वो तो हमने पकड़ रखा था, उसने पकड़ रखा था, उसने मेरे को बताया राहुल ने कि भाई ये झप्पी मार रहा है। तो वो तो मम्मी शुक्र है कि हम दो जने गए थे, अगर मैं अकेले लेने गया होता फिर ये पहले तो बात कर रहा था, फिर मैंने कहा तू है ना बात मत कर, तू ये स्टार्टिंग में बात कर रहा था। मैं कह रहा कि है ना मेरी है ना
ध्यान भटक जाएगा फिर तेरी तरफ, तो इससे वजह तो चुप रहा है अभी, तो जब भी आ गई सोने लग गया भाई साहब। तो गाइस अभी जस्ट मैं आया हूँ तो थोड़ी देर बैठता हूँ, उसके बाद मैं आपसे वार्तालाप करता हूँ। तो गाइस मैं अभी आया था सर्विस करवा के गाड़ी की, और भाई हमारी गाड़ी का जो क्या होता है वो चैन कुछ होता है पर वो ख़राब हो गया, पर हमने वो ठीक नहीं कराया क्योंकि अभी चल जाएगा वो थोड़ा और। एंड और भाई मोमोज खाने हैं, चलो देख रहे हो कितना राजी है मोमोज खाने के लिए मम्मी। गाइस मैंने ना मम्मी को, अगर तुम्हें पता हो मैंने पिछले ब्लॉग देखे हो तो मम्मी को मैंने दो साड़ी दिलाई थी, और ये देखो हमारा इसकी ब्लाउज, ये मेरी फ्रेंड ने सिली है। एंड देखो एक भाई पूरे पूरे फुंदने के फुंदने भाई डिजाइन बना बना के लटकाए मम्मी, देख रहे हो कोई ऐसा काम कर देगा बताओ। और लड़की ने 120 रुपए लिए हैं बस, नहीं एक के 120 240 रुपए है ना। तो अभी जस्ट मैं अभी आया हूँ, तो अभी भाई ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन्हें मोमोज खाने हैं, तो इनके लिए मैक्रोनी बनाइए। मैक्रोनी खाएगा मैक्रोनी, जैसे पास्ता होता है ना वैसी मैक्रोनी होती है खाना। अभी क्योंकि देख अभी तो फिर वो मोमोज खाएगा तो फिर वो मैक्रोनी खा पाएगा है ना, है ना। तो एक ही चीज खा, या तो तू मैक्रोनी खा या तो तू वो मोमोज खा। हाँ तो मैं कल ऑफिस से आते हुए तेरे को मोमोज लेकर आऊंगा, है ना। हाँ है ना, है ना, है ना, है ना। और भाई ये डर के मारे देख रहे हो, कोको हमारा यहाँ बैठा है और गोलू भाई साहब हमारे वहाँ बैठे हैं, है ना। कल से तो गाइस गोलू ब्लॉग करेगा सुबह उठते, क्योंकि गोलू जल्दी उठ जाता है ना, तो गोलू ब्लॉग स्टार्ट कर देगा, है ना गोलू, है ना।